नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा आज ओमान में कितना केस है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्वीट कर ये जानकारी दिया और देखा जाए तो फाइनली डेली दिन ब दिन काफी बेहतरीन अपडेट निकल के आ रहे हैं ओमान में, जो कि काफी बेहतरीन है, क्योंकि लगातार बहुत सारी दुकानें भी खोलती जा रही है। लॉकडाउन तो खत्म ही कर दिया गया जैसा आपको मालूम होगा, और आने वाले वक्तों में फ्लाइट को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आने वाले वक्तों में किया जाएगा, पूरा डिटेल बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दे। सबसे पहले बता दे कि आज का अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो कि जारी किया और काफी कम केस आया है, मतलब देखा जाए तो जैसे पहले ओमान में शुरुआत में जितना केस आता था उसके हिसाब से, मतलब देखा जाए उसी टाइप का केस आज ओमान में दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों का यही मतलब रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको जारी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो कि रजिस्ट्रेशन 140 न्यू केस, मतलब काफी कम केस है। जैसा पहले कितना आता था, 100 150 180 200 ऐसा था शुरुआती दिनों में, ये मार्च और फरवरी में, जैसे मार्च में इसका काउंट शुरू किया गया था तो मार्च आर्च के दिनों में इतना केस आता था, जो कि काफी कम था। और इस समय भी उतना ही, मतलब तकरीबन देखा जाए तो अंतिम पड़ाव पे ये पहुंच चुका है बीमारी। एक तो मतलब 40 न्यू केस है, और एक्सपायरी की बात करें तो भाई वहाँ एक्सपायरी के मामले में मतलब काफी ज्यादा एक्सपायर हुआ, पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे इस बीमारी की वजह से। टोटल बात करें तो यहाँ पे 546 मतलब 16 आदमी पिछले 24 घंटों में एक्सपायर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 16 आदमी अपनी इस बीमारी की वजह से अपना जान गंवा बैठे, जो कि काफी बैड है। वहीं बता दें कि आपको टोटल केस के बारे में बता दें तो यहाँ पे 83,226 केस अब तक ओमान में हुआ है आज तक। वहीं बात करें इसमें रिकवरी तो फाइनली मैं डेली बता रहा हूँ आप सभी के लिए कि फाइनली डेली काफी बेहतरीन अपडेट निकल के आ रहे हैं। डेली रिकवरी के मामले में ओमान में 90% से ऊपर ही चल रहा है। तो वहीं बात करें रिकवरी की तो यहाँ पे 77,812 आदमी स्वस्थ हो गए हैं इस बीमारी की वजह से, ठीक हो गए, जो कि काफी बेहतरीन है, क्योंकि 83,000 प्लस ओमान में केस है, उसमें 77,000 प्लस आदमी ठीक भी हो चुके हैं, तो कितनी बेहतरीन अपडेट है। ठीक होने का जो परसेंटेज है वो 93.5 के बीच में है, जो कि काफी बेहतरीन है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 71% ठीक होते हैं आदमी तकरीबन, वहां पे मतलब रिकवरी थोड़ा सा कम है। वहीं बात करें टोटल एक्सपायर अब तक ओमान में कितने आदमी इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, उनकी अगर जो बात करें यहाँ पे तो 588 आदमी है अब तक ओमान में, आज तक 588 आदमी इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, जो कि काफी बैड है। वहीं रिकवरी की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कितने आदमी रिकवर हुए, उसकी अगर जो बात की जाए यहाँ पे तो आपको 132 आदमी रिकवर हुए हैं पिछले 24 घंटों में, जो कि काफी बेहतरीन। 140 न्यू केस आए हैं, ये तो नया केस है, रिकवर का मामला तो पुराना ही चलता रहता है ना, तो रिकवरी के मामले में काफी बेहतरीन अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 132 आदमी ठीक हो गए, जो कि काफी बेहतरीन है। तो ये मसबत केस तो ओमान में दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं, एक के बाद एक ओमान की सरकार लगातार फैसले भी ले रही है, बहुत सारी दुकानें भी ओपन हो रही हैं, हर एक चीज मतलब देखा जाए तो एक तरफ से नॉर्मल लाइफ में आते जा रहे हैं दिन ब दिन, मतलब काफी बेहतरीन अपडेट आते जा रहे हैं। आने वाले वक्तों में अब क्या मेन चीज रह गया है, सैलून रह गया, उसके बाद मस्कत एयरपोर्ट। आने वाले वक्तों में हो सकता है सितंबर में मतलब इसका भी फैसला आ सकता है कि मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी चालू किया जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए इसको बंद हुए, और काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जाना चाहते थे वो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट पाकिस्तान की ले ले, बांग्लादेश की ले ली, या इंडिया की ले ली, स्पेशल फ्लाइट चल रही है, स्पेशल फ्लाइट ही चल रही है ना, तो इसकी वजह से आने वाले सितंबर तक हो भी सकता है कि मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सुप्रीम कमेटी क्या डिसीजन लेगी, ये तो आने वाले वक्तों में, मगर एक उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों सितंबर तक हो सकता है ऐसा ओमान की सरकार फैसला, क्योंकि केस तो डाउन होता जा रहा है, और केस खत्म होगा तो फिर लाजिम एयरपोर्ट को चालू किया जाएगा। तो नई अपडेट आ जाएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा। नमस्कार।